अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सायमा नवी सिद्दीकी एंड यू आर वॉचिंग माई कुकिंग चैनल कुक विद सायमा नवी सिद्दीकी। टुडे इज माई रेसिपी इज क्रिस्पी फ्राइड चिकन। क्रिस्पी फ्राइड चिकन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। इसके लिए फर्स्ट मेथड में हम अपने चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने एक बड़े से बाउल में, आप देखची भी ले सकते हैं, पैन भी ले सकते हैं, 4 ग्लास 1 जग वाटर ऐड करेंगे। अब इस जो मैंने पानी बाउल में ऐड किया था, इसमें हम 3 चमचे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, ये मैंने अभी अभी फ्रेश पीसा है, 1.25 किलो चिकन ली थी, इसको धो के अच्छी तरह से ड्राई करके मैंने रख लिया था, 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एंड 1.5 टेबल स्पून नमक सॉल्ट। इन सब चीज़ों को हम अपने पानी में ऐड करेंगे और स्कीवर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस पानी में सबसे पहले हम बेकिंग पाउडर और नमक को ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से आप चमचे से भी मिक्स कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, मगर ये स्कीवर से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, ये भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तमाम बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। चिकन इतने इस तरह ऐड करेंगे हम इसमें चिकन के, चिकन इसमें डूब जाए अच्छी तरह से। इसमें चिकन मैंने ऐड कर दिए, अब हम इसे अच्छी तरह से स्कीवर की मदद से मिक्स कर देंगे और इसको ढकना लगाकर 6 से 8 घंटे, अगर ओवरनाइट रखें तो बेस्ट है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे। 8 घंटे बाद नेक्स्ट स्टेप इसका स्टार्ट करें। जी व्यूअर्स, इस चिकन को मैरिनेट किए हुए पूरे 7 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अभी अभी मैंने इसका कवर हटाया है, अब मैं इसका पानी छान लूँगी और इसे बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। हमने अपनी चिकन को अच्छी तरह से छान के इसका पानी सारा फेंक दिया है। अब सेकंड स्टेप में मैं इसको दीगर मसालों से मैरिनेट करूँगी, तो इसके लिए मैंने 1 टेबल 1.5 टेबल स्पून नमक लिया था। नमक का लेवल आप अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च रेड चिली पाउडर लिया था, 1/2 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला होल स्पाइसेस पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, चाट मसाला जो होता है, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर कीमन पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर अदरक पाउडर और 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर लहसुन पाउडर। इन तमाम मसालों को हम अपनी चिकन में बाउल में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट से लेकर आधा घंटा मैं इसको ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ दूंगी किचन काउंटर पर ही, और इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप की तैयारी स्टार्ट कर दूंगी और फिर अपना नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ आ गए हैं। ये मैंने 3.5 कप मैदा लिया था, इसको छान के एक बाउल में रख लिया है। इसमें हम 1.5 कप यानी 1.5 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। पहले 1 कप ऐड करेंगे, 1.5 कप आधा कप ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून की घर का रेगुलर स्पून है दक्षिणी मिर्च, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक। नमक का लेवल मैं इससे कम रख रही हूँ कि पिछले 2 स्टेप से मैं नमक में इसमें ऐड कर चुकी हूँ, तो नमक इसलिए आगे पीछे ना हो जाए, नमक का लेवल अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखें। ये नमक ऐड करेंगे और इसको फिर हम स्कीवर की मदद से अच्छी तरह से इस मिक्सर को इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये जितना भी है आपस में घुल मिल जाए और मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छी तरह से स्कीवर की मदद से चमचे की मदद से मिक्स कर दिया है। इसमें मैं थोड़े से तेल ऐड करूँगी, ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन में बहुत मज़ेदार लगते हैं जब मुँह में इसके क्रंचेज आते हैं। इसको मैरिनेट किए हुए 1/2 घंटा हो चुका है, मैंने अपना कॉर्नफ्लोर मैदे का मिक्स भी तैयार कर लिया था। ये मैंने ठंडा चिल्ड वाटर, ठंडा कूलर का पानी यूज़ किया है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए हाई टेम्परेचर पे रख दिया है। सबसे पहले स्टेप में हम एक अपने चिकन की बोटी को उठाएंगे और सबसे पहले हम उसे मैदे और कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आगे इसको मिक्स करना है जैसे जिंगर बर्गर की चिकन हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही।
ताकि इसमें अच्छे से क्रम्स आए और खाने में बहुत मज़ेदार और लजीज महसूस हो। वैसे तो ये क्रिस्पी फ्राई चिकन है, मगर इसमें मैंने थोड़ा सा तिक्के का फ्लेवर टच दिया है मसालों में, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो। ठंडे चिल्ड वाटर में डाल देंगे, उसके बाद दोबारा से हम इसे अपने मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह इसको हमें 3 दफ़ा मैदे में मिक्स करना है और फिर इसे हम गरम गरम ऑयल में डाल देंगे। मैं इसे पानी में डिप कर रही हूँ, दोबारा से हम इसे अपने मिक्सर में करेंगे और इसे ऑयल में डाल देंगे। हम इसे ऑयल में डाल देंगे और इसी तरह हम बाकी अपने बनाते जाएंगे। अभी लेग पीस फोल्ड कर लिया था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। व्यूअर्स, हमने इसमें 4 से 5 पीसेस डाल दिए हैं। इसे 6 से 8 मिनट मैं एक साइड से देखूंगी, फिर इसकी साइड को टर्न कर दूंगी। जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है, मैं अपनी साइड तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने 6 टेबल स्पून मेयोनीज दिया था, इसमें हम 1/2 टेबल स्पून दखनी मिर्च, 5 पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 pinch salt ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून घर की रेगुलर चीनी। तो अब हम कांटे की मदद से अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। इस साइड से सूख गई, चिकन शुरू हो गई है, मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और इसको टर्न करके हम दूसरी साइड से सेकेंगे। अब इसमें हम, मैंने 1/2 कैबेज को कट कर लिया था, ये ऐड करेंगे। ये वाली सैलड की रेसिपी मेरी जिंगर बर्गर की वीडियो में भी मौजूद है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जिंगर बर्गर की वीडियो में जाकर देख सकता है। ये हमारी सैलड बिल्कुल रेडी है, पर इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है और एक साइड पर रख देना है। फिर इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने 7 मिनट एक साइड रखा था, 7 मिनट इसको दूसरी साइड हो चुके हैं। मज़ीद 1 से 2 मिनट मैं इसको सेकूँगी और फिर डिश आउट कर लूँगी। अच्छी तरह से सिक गई है, मैं इसे निकाल लूँगी। पहला बैच मैंने निकाल लिया है, दूसरा बैच इसमें डाल दिया है। जी रिवर्स, आधी मैंने तल ली हैं, आधी ये बच गई थी। इसको मैंने जो क्रम्स, इसका जो मैदे वाला मसाला था, इस वाले चिकन को मैं इसमें डाल के एयर टाइट जार में भर के फ्रीज़र में रख दूँगी। इसको आराम से 2 से 3 महीने आप रख कर खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स ना हो तो आप इसको किसी रैपिंग या सीलिंग फिलिंग में भी लगा के रख सकते हैं, तो शॉपर में भी इसको रखा जा सकता है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और फिर इसको ढक कर फ्रीज़र में रख देंगे। जी व्यूअर्स, हमारा दूसरा बैच भी रेडी है, ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है, देखने में ही लग रहा है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल लुक है, ये देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें चने का तिक्के का फ्लेवर, मतलब मसाला जो ऐड किया था, उससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। इसे सब बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि मेरा चैनल मज़ीद तरक्की करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सारी।